देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को आगे बढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाना तो दूर की बात, अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह हिंदुस्तान की बेटियों पर जुल्म करता रहा, दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जाता रहा, फिर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप रहीं और थीं। जो महिलाएं ये कह रही थी कि बृजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी बृजभूषण के साथ? जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। बिल्किस बानो के बलात्कारी सरेआम घूमते रहे, रात भर जलता रहा हाथरस की बेटी का शव, दरिंदों ने मणिपुर की इज्जत को बिना कपड़ों के सड़कों पर मार दिया, लोकतंत्र के मंदिर के सामने देश की बेटियां बेबस होती रही, सियासत करते रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने देखा, सारी जो एंकर हैं वो टीवी पे क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि मणिपुर पे आप बोल रहे हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं। अरे राजस्थान क्या, दुनिया के किसी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, ये हमारा हक है। महिलाओं के इंसाफ के लिए इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाए, बेटियों के आवाज के लिए सोनिया गांधी ने लीड किया, लेकिन देश के पीएम मोदी जी ने अपने नेतृत्व में देश को ही बर्बाद कर दिया। प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये नेतृत्व का सवाल है। अगर नेतृत्व इस देश में इंदिरा गांधी के हाथ में रहा, नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में रहा, तो महिलाओं को आगे बढ़ने का हक मिला। और नेतृत्व आज एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो पत्नी छोड़ करके भाग गया, तो महिला अधिकार का क्या होगा, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और तमाम वो पार्टियों के बीच में जो घमासान मचा है, जो हंगामा मचा है, वो मुद्दों को लेकर नहीं है, वो सत्ता के लालच के लिए। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले इन चीजों को समझना परखना बहुत जरूरी है कि आखिर सत्ता के लालच से पहले देश की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए और उनके हक के लिए कौन बात करेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। 2024 के चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है, कौन बनेगा पीएम इस बात को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गया, लेकिन जिसको जिसको जिम्मेदारी मिली है वो सत्ता से तीखे अंदाज में सवाल पूछ रहा है और वो सवाल कन्हैया कुमार ने शुरुआत किया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही, जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। वो रुई रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी यही बचा है मेरे खेत का। ये देश पहले तीन में होगा, ये देश का विश्वास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे दिए, उसके नाम पर वोट मांग लिए, फिर 2024 के चुनाव आने वाले हैं, फिर से देश की महिलाओं के दहलीज पे जाएंगे, उनके चौखट पे जाएंगे, घर पर जाएंगे और उनसे वोट के लिए भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद फिर से उन्हें भूल जाएंगे। जब उन्हीं के नेता, उन्हीं के सांसद उन पर जुल्म ढाएंगे तो आंख मूंद लेंगे, चुप हो जाएंगे और संसद में हंगामा करते नजर आएंगे। आपको पता है दर्शकों, देश की हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जब वो वक्त था, एक दौर जब महिलाओं के पास कपड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी, जी हाँ अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी को आगे बढ़ाया कि तब जाके देश की बेटी आगे बढ़ सकती है।
महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। और आप देखिए कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। दूर से बात बहुत अच्छा लगता है, अपने पे जब अगर बात आ जाए तो उसका असर समझ में आने लगता है। महिलाओं का नाम लेते हैं, महिलाओं की राग गाते हैं, लेकिन जब महिलाओं पे जुल्म होता है, बेबस हो जाती हैं, होती रहती हैं, तब दरअसल इनके सांसद, इनके मंत्री, दरअसल इन पर जो है जू तक नहीं आता, शर्म तक नहीं आती है। और इसीलिए दर्शकों ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह पर जब यौन शोषण का आरोप लगा, दिल्ली के सड़कों पर उन बेटियों को जलील किया गया, घसीटा गया, वो बेबस होती नजर आई, तब स्मृति ईरानी, मोदी जी, यहाँ तक कि देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इस मामले पर चुप रही, क्योंकि इस पर राजनीति होता रहा। कोई मणिपुर में आपने देखा कि वहां के बेटियों के साथ क्या हुआ, और उसके बावजूद जो है लोग इसको राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो है मणिपुर का मामला कर एक साथ तोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन आरोप तो आरोप ही होता है। और दरअसल जो है कोई भी घटना हो, कि कोई भी घटना हो, चाहे वो मामला चोरी का हो या फिर वो मामला रेप का हो, मामला घटना तो घटना होता है, जुल्म तो जुल्म होता है। जो महिलाएं ये कह रही थी कि बृजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी बृजभूषण के साथ, जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। जो अधिकार हमको एक एक करके बिना लड़े मिल गए, इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला आंदोलन नहीं हुआ। जब संविधान लिखा जा रहा था तो वोट का अधिकार दे दिया गया। इस देश में संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल होंगी, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने इनिशिएटिव से, उस वक्त जो है हमारा अखिल भारतीय महिला संघ नहीं था, महिला कांग्रेस नहीं था उस वक्त, लेकिन गांधी जी ने महिलाओं को घर से निकाल करके अपने आंदोलन में शामिल कराया। और आप जानते हैं शराब बंदी के खिलाफ जो पिकेटिंग का आंदोलन होता था वो पूर्ण रूप से महिलाओं का आंदोलन था। महिलाएं जाती थीं और शराब के दुकानों को बंद कराती थीं। महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लेकर के आए, ये एक प्रोग्रेसिव सोच थी। प्रोग्रेसिव सोच के चलते संविधान सभा का ऐसे निर्माण हुआ जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। और ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी थी कि अमरीका में आज तक, अमरीका कहता है ना कि हम दुनिया का सबसे मॉडर्न देश हैं, मॉडर्निटी का ठेकेदार है, अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है, और हमारे यहां महिला राष्ट्रपति बनी, और उसी आधार पे भाजपा को कहने का यह हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं, बोलिए। लेकिन प्रश्न यह है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है तो मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने अपने मुंह पे क्यों चुप्पी साध रखी है? यह राजनीतिक चुनौती है, इस राजनीतिक चुनौती को हमको समझना पड़ेगा। बिल्किस बानो के बलात्कारी खुलेआम जो है सरेआम वो घूमते नजर आते रहे। उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी को कह के जो शव हैं वो रातों रात जलते हुए नजर आए। इतना ही नहीं दर्शकों, देश की पहलवान वो बेटियां जिनकी जो आन शान बान सब कुछ है, तिरंगे की शान है, वो देश की राजधानी के सड़कों पर घसीटती हुई नजर आई। पुलिस उनको जो है घसीटता हुआ नजर आया, उन्हें मारता नजर आया डंडों से, लेकिन तब भी मोदी जी चुप रहे, बेटियों की बात तक नहीं करते हैं। आज जब लाल किले की बारी आई तब मणिपुर का हल्का सा जिक्र करते हैं, और उसके बाद ये लोग कहते हैं देखिए मैं बजब तो ये रिपोर्ट लेकर आया, आप ये रिपोर्ट अगर देख सकते हैं,
कि लोकतंत्र के मंदिर के सामने बेटियां बेबस होती रही, मोदी जी चुप रहे। नई पार्लियामेंट में भी लोकतंत्र के मंदिर के सामने बेटियां आजीज होती रहीं, लेकिन ये चुप रहे, ये कुछ बोले नहीं। आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से मोदी जी सिर्फ और सिर्फ सियासत करते रहे और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सवाल पर सवाल पूछता रहा। कि हम गुलदस्ता हैं, कि नेताजी आने वाले हैं तो चार महिला को बुला करके वंदे मातरम गवा देते हैं। हम गुलदस्ता नहीं है कि भीड़ में जो है आप आगे में चार लोगों को बिठा करके हमको सजा दीजिएगा। हम तेज पत्ता हैं कि बिरयानी में ऊपर से डाल दीजिएगा और जब खाने लगेगा तो निकाल दीजिएगा। यह प्रतिनिधित्व का सवाल है। प्रतिनिधित्व के सवाल को हमको सीरियसली लेना पड़ेगा, और अगर हम सीरियसली लेते हैं तो प्रश्न आता है पॉलिटिकल कल्चर का। आपने देखा सारी जो एंकर हैं वो टीवी पे क्या कर रही हैं, वो कह रही है कि मणिपुर पे आप बोल रहे हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं। अरे राजस्थान क्या, दुनिया के किसी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, ये हमारा हक है। आप ये व्हाट अबाउट रीच कर रहे हैं, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चोरी हो जाना, डकैती हो जाना और बलात्कार हो जाना एक है, नहीं है एक। किसी का पर्स मारा गया और किसी के साथ बलात्कार हुआ, ये दोनों अपराध एक है क्या? जो जो सर्वाइवर होते हैं उनकी पूरी जिंदगी जो खराब हो जाती है। सवाल सिर्फ शरीर का नहीं है, सवाल उनकी मानसिकता का है, सवाल साइकोलॉजी का है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और ये 24 के चुनाव जीतने की ये अगुवाई देते हैं, ये भविष्यवाणी करते हैं, ये कहते हैं कि 2047 तक हम राज करेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन याद कीजिए इंदिरा गांधी जी का वो दौर कि महिलाओं के इंसाफ के लिए उन्होंने कानून तक बना दिया। याद कीजिए कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे सोनिया गांधी जी का वो दौर जो महिलाओं के आवास के लिए, उनके उनके इंसाफ के लिए, उनके राहत के लिए, उनकी आवाज़ के लिए उन्होंने कहाँ तक नहीं किया, प्रोटेस्ट किया, संसद के बाहर, संसद के अंदर आवाज़ें उठाई। लेकिन आज अगर बात करें देश के नेतृत्व चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो दरअसल जो है देश की बेटियों पे हो रहे जुल्म को देखकर नज़रअंदाज कर दिया, देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार को जो है दरकिनार कर दिया। उनके मंत्री, उनके नेता, उनके सांसद, उनके कार्यकर्ता खुद बलात्कार करते रहे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें बर्खास्त तक नहीं किया। क्या कुलदीप सिंह सेंगर को भूल जाएंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह को भूल जाएंगे, क्या आप भूल जाएंगे चिमयानंद को? यही वजह है कि आज ये कन्हैया कुमार कहते नजर भी आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल एक ऐसा नेतृत्व कर रहे हैं जिससे देश की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। प्रतिनिधित्व का सवाल है, यह नेतृत्व का सवाल है कि अगर नेतृत्व इस देश में इंदिरा गांधी के हाथ में रहा, नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में रहा तो महिलाओं को आगे बढ़ने का हक मिला। और नेतृत्व आज एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो पत्नी छोड़ करके भाग गया तो महिला अधिकार का क्या होगा, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। इसीलिए मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूं। अपराध कहीं भी हो सकते हैं, अपराध छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, मणिपुर में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, लेकिन अपराध के बाद पुलिस की कार्रवाई कैसे हो रही है, सरकार उस पर क्या बोल रही है, जिस पार्टी की सरकार है उसके स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं, इस बात पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दल का फर्क नहीं है, विचार का फर्क है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम समानता में भरोसा रखते हैं, अगर हमको लगता है कि बलात्कारियों को मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और MP नहीं बनाना चाहिए, तो 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव हम महिलाओं के लिए, हम तमाम नागरिकों के लिए, इस देश के अस्तित्व का सवाल है, संविधान के अस्तित्व के सवाल है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेकारी हो, उन तमाम सवालों को लेकर के हमको घर घर जाना है। और जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है समान अवसर का, सम्मान का, एकता का, भागीदारी का, उसको हमको आगे लेकर के जाना होगा। और जो नारा आपने लगाया है आधी आबादी पूरा हक,
अपनी पार्टी और NSY की तरफ से इस मांग के साथ हम पूर्ण समर्थन में खड़े हैं और आप किस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर के आपके साथ चलेंगे। ये तमाम तस्वीरें आपने दर्शकों देखा, 2024 का चुनाव है, इसमें युवाओं का जिक्र होना चाहिए, महंगाई का जिक्र होना चाहिए, हो रहे बेटियों पर अत्याचार का जिक्र होना चाहिए, नेताओं से, सांसद से, मंत्री से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से गुलामों की जंजीरों में आज हिंदुस्तान के आवामों के सवाल को कुचल दिया गया है, जिस तरीके से आज किसानों को मार दिया गया है, 700 किसान शहीद हो गए थे, आप उसको भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए आज सांसद मंत्री महोदय सबसे सवाल पूछा जाना चाहिए, सिर्फ चुनाव का वक्त है, हिसाब किताब करना चाहिए। जो विपक्ष कर रहा है, जो सत्ता से सवाल पूछ रहा है, हमारे जैसे पत्रकार सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनको आप डरा रहे हैं, उनके अंदर दहशत पैदा कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं ताकि कोई सवाल ना पूछ सके। इसलिए चुनाव का टाइम है, नेता रोएंगे, बिलखते नजर आएंगे, लेकिन उनके एक्टिंग में आपको परेशान नहीं होना है, उनसे सीधा सवाल पूछना है कि हमने जिस चीज के लिए चुना, आप उसके लिए जवाबदेही हो या नहीं हो। और महिला ही एक ऐसी जो है दरअसल एक ताकत है जो सत्ता की ताकत को हिला सकती है, उनको चलाने वाले जो एक्टिंग करने वाले लोग हैं उनसे हिसाब किताब मांग सकते हैं, और उसका वक्त आ गया। दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स का दरवाजा खुला है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा कमेंट जरूर कीजिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।